अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपका काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं आ रहा। तो गाइज़ मैं आई हुई थी गाँव, चूँकि मेरे जो दादा बू और मेरी दादी अम्मी हैं वो लोग गाँव में रहते हैं, तो बेसिकली मैं भी गाँव से हूँ। तो आज हम लोग गाँव में आए हुए थे और मैंने सोचा चलें आप लोगों को मैं साथ लेके चलती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना प्यारा सा छोटा सा गाँव। तो ये जनाब कुछ मैंने शॉर्ट्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगे, आप लोगों को मेरा छोटा सा प्यारा सा गाँव भी अच्छा लगेगा। तो ये हम लोग छत पे खड़े हुए हैं बेसिकली, और यहाँ पे बाहर मैंने सारा आप लोगों को व्यू दिया है इस तरह से, मतलब बाहर बहुत खुली जगह है, बहुत सारे लोग हैं, कच्चे मकान हैं, इस तरह बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, तो बहुत प्यारा व्यू लगता है। ऑल्सो हम सब लोग मतलब शहरों में रह रहे के इतना तंग आ चुके हैं कि हम लोगों को इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद आती हैं, हम लोग की आंखें बिल्कुल तरस जाती हैं किसी भी ग्रीनरी या गांव वगैरह को देखने के लिए। तो ये जनाब घर की छत है जहाँ पर जो है ना वो कपड़े वगैरह लटकाए हुए हैं, और सामने चारपाई पड़ी हुई है, इस तरह से छोटे छोटे सात सात लोगों के घर हैं, और बहुत ही कोई खूबसूरत व्यू आता है। और ये यहाँ पे एक हमारे घर के बिल्कुल साथ वालों के घर पर एक बहुत बड़ा सा प्यारा सा दरख्त है, मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखा दूँ। बहुत ग्रीन सा है ये और बहुत प्यारा है, और ये इस तरह यहाँ से इसका व्यू बहुत खूबसूरत लगता है। मैं वैसे भी हर बंदे के घर जो है ना वो दरख्त होना बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे थे, तो नाश्ते में जिस तरह गांव में रोटी पराठा वगैरह ही ज़्यादा खाया जाता है, तो इसलिए पराठा और अंडा यहाँ पे मैं खाई थी। और यहाँ के गांव की जो चिंगेरे होती हैं, छाबियाँ जिनको हम लोग बोलते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत ट्रेडिशनल सी हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ये देखें आज गांव में मौसम भी बहुत प्यारा था, इतनी धूप निकली हुई थी, थोड़े थोड़े बादल थे, और इस तरह करके बहुत कोई खूबसूरत मौसम था। वो सामने एक और दरख्त आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इस तरह से गांव में जो है ना वो पंखा सहन में भी लगा लेते हैं लोग, तो उससे जो है ना वो आपको मिल जाती है। अच्छा फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा घर का टूर दे दिया। तो ये हमारे गांव का जो घर है वहाँ का ड्राइंग रूम है, जहाँ पे मतलब कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनको हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं। हम लोग भी गए थे तो यहीं पे बैठे थे, और इस तरह करके आप लोग देख सकते हैं बहुत नॉर्मल सा सिंपल सा घर है गाँव का, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। जस्ट मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा होम टूर भी मिल जाएगा, इस तरह करके आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह यहाँ पे सोफ़ा टेबल चेयर्स वगैरह, और काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सारा माहौल। और जनाब ये जो रूम था ये मेरी चची का रूम था, तो ये सारा उनका सामान फर्नीचर वगैरह बहुत खूबसूरत था। मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखाऊं कि गांव में किस तरह से जो है वो लोग फर्नीचर्स वगैरह देते हैं, और किस तरह उन्होंने अपना रूम वगैरह सेट किया होता है। तो ये बिल्कुल एक बहुत ट्रेडिशनल सा तरीका है जिससे जो है ना वो आपका रूम बहुत खूबसूरत लगने लग जाता है। और यहाँ पर ये शोकेस है जिसमें हम लोग अपने सारे बर्तन वगैरह रखते हैं। वैसे तो शहरों में ये होता है कि ये सब चीज़ें किचन में रखी जाती है, लेकिन गाँव में ये होता है कि ये सब चीज़ें आपका जो एक बर्तन वाला शोकेस होता है वो आप लोगों ने अपने रूम में ही रखना होता है। तो साथ ही यहाँ पे जी सेफ था, ड्रेसिंग टेबल था, और बहुत प्यारा ये सब कुछ लग रहा था। सेटिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी की हुई थी, और सेफ जो है वो इस तरह के गांव में दिए जाते हैं। और साथ में ये सोफ़ा बेड वगैरह कर्टन्स रेड कलर के लगे हुए हैं, और ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हम लोग बाहर आए हुए थे सैर करने के लिए, तो बिल्कुल हमारे घर के सामने जो है वो स्टेशन है, तो मैंने सोचा चले आप लोगों को वहाँ पर मैं लेके जाती हूँ। ट्रेन का टाइम हो रहा था तो साथ में हम लोग ट्रेन को भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये यहाँ पर स्टेशन आ गया है, यहाँ पर बहुत छोटा सा ये स्टेशन है, यहाँ पर जी टिकट वाला हिस्सा बना हुआ है जहाँ से आप लोग टिकट्स वगैरह ख़रीद सकते हैं। ये जी रेलवे लाइन आ गई, और यहाँ से भी बिल्कुल ट्रेन के आने का टाइम हो चुका था। और ये देखिए आप लोग बहुत अच्छा व्यू हो रहा है, ये शाम के टाइम जो था ये मैंने रिकॉर्ड किया था, इसलिए आपको लाइट ज़्यादा नहीं नज़र आ रही होगी, बट फिर भी चलें कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम लोग भी खड़े हुए थे, काफ़ी लोग थे, काफ़ी रश था जिन्होंने जो है वो ट्रेन पे सवार होके जाना था, और यहाँ पे ये ट्रेन आ गई, और बहुत प्यारा मंजर लग रहा था। मुझे तो वैसे भी ट्रेन देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो इस तरह से काफ़ी लंबी ट्रेन थी। ये जो ट्रेन थी ये फरीद एक्सप्रेस थी, आप लोगों को मैंने सोचा बता दूँ। और यहाँ पर काफ़ी लोग जो थे वो तैयार थे ट्रेन में जाने के लिए, और इस तरह से ट्रेन आई, वो यहाँ पर रुकी और 5 मिनट तकरीबन स्टे किया ट्रेन ने, और फिर जो है वो सब लोग अपनी अपनी जगहों पे चले गए।